मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों की पांचवी लिस्ट जारी होते ही बीजेपी नेताओं के बीच बवाल मच गया है। ग्वालियर में टिकट फाइनल होते ही सड़क पर फाइट शुरू हो गई। टिकट वितरण से नाराज मुन्नालाल गोयल के समर्थकों ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के महल का घेराव किया है। मुन्ना भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारा नेता कैसा हो, मुन्ना भैया जैसा हो। सैकड़ों की तादाद में समर्थक यहां जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। इन समर्थकों की महल के सुरक्षा गार्ड से भी भिड़ंत हो गई। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया लोगों को समझाने भी आए, लेकिन समर्थक नहीं माने और सिंधिया के काफिले के सामने लेट गए। हर बार जो हमारा मत है उस मत के आधार पर निर्णय नहीं लिया जाता, ठीक है। कई बार जो हमारा मत है उसी के आधार पे हम लोग अपने महाराज साहब से मांग रखने आए हैं और महाराज से निवेदन करने आए हैं कि महाराज साहब जो ग्वालियर पूर्व का जो टिकट है उस टिकट को बदलवा दें, क्योंकि वह टिकट केवल उस सीट को निकालेंगे तो मुन्नालाल गोयल जी निकालेंगे, उसके अलावा उस सीट को कोई निकाल नहीं पाया। तो हम महाराज से निवेदन करने आए हैं कि महाराज साहब इस टिकट को बदलवाएं और बदल के मुन्नालाल भाई साहब को टिकट दिलवाएं, जिससे कि हम लोग इस सीट निकाल के महाराज साहब को दें और महाराज साहब का सम्मान बना रहे और पार्टी का सम्मान बना रहे और हमारी सरकार बने। कई बार जो हमारी आशा है उसके आधार पर निर्णय लिया जाता है, कई बार वो संभव नहीं हो पाता। मुन्नालाल गोयल साल 2018 में कांग्रेस से विधायक बने थे, लेकिन उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस से विद्रोह किया और विधायक पद से इस्तीफा देकर उपचुनाव में बीजेपी के टिकट पर उतरे, लेकिन कांग्रेस के सतीश सिकरवार से हार गए थे। अब वो फिर से टिकट के प्रबल दावेदार थे, लेकिन बीजेपी ने जो सूची जारी की उसमें उनका नाम गायब था। ये पहली बार नहीं हुआ है ना, आप लोग भूल गए, पहले भी 15-20 साल पहले भी कई दिग्गजों के टिकट नहीं हो पाए। हमारे मुन्ना का टिकट मैंने 3 बार करवाया, एक बार नहीं करवाया, ठीक है। हम लोग पहली बार आ रहे तो मैंने करवाया, दूसरी बार करवाया, तीसरी बार हम लोग जीत के आए, ठीक है। कभी कभी संभव हो पाता है, कभी कभी नहीं संभव होता है। ग्वालियर पूर्व से सिंधिया की मामी माया सिंह का नाम लिस्ट में था, जिसके बाद टिकट दावेदार मुन्ना गोयल के समर्थक सड़क पर उतर आए। यानी अब ग्वालियर पूर्व से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी बनाई गई माया सिंह को काफी परेशानी हो सकती है। आपको बता दें कि माया सिंह सिंधिया राज परिवार की सदस्य हैं। वो राजमाता विजया राजे सिंधिया के भाई ध्यानेंद्र सिंह की पत्नी और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मामी हैं और क्षेत्र में उनका खासा प्रभाव भी है। थमने मत देना, विकास की निरंतरता को बनाए रखना है और सभी से आग्रह है कि पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी के जीत का हम संकल्प लेंगे।